पटना के तत्कालीन मोटरयान निरीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह और विक्रम के तत्कालीन अंचल अधिकारी वकील प्रसाद सिंह पर आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम ने दबिश दी है। बताया जा रहा है कि अवैध बालू उत्खनन एवं गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करने में इनकी संलिप्तता की जानकारी आर्थिक अपराध की विशेष टीम को मिली थी, जिसके बाद दो भ्रष्ट लोक सेवकों पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कार्रवाई की है। बताया गया कि मोटरयान निरीक्षक मृत्युंजय कुमार के तीन ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, जिनमें पटना के गोल्ड रोड स्थित फार्मेसी कॉलोनी, आरके सदर अपार्टमेंट, गोपालपुर और रांची के आवासीय ठिकानों पर एक साथ आर्थिक अपराध इकाई की टीम की छापेमारी जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम को गिरफ्त में आए मृत्युंजय कुमार सिंह के पास से 531% आय से अधिक संपत्ति का पता चला था, जिसके बाद इस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आर्थिक अपराध की कार्रवाई जारी है। वहीं विक्रम के पदस्थापित तत्कालीन अंचल अधिकारी वकील प्रसाद सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर उनके ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई की दबिश जारी है। आईओयू ने सीओ के दो ठिकानों पर एक साथ दस्तक दी है, जिनमें गोला रोड स्थित सूर्य चंद्र विहार अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 202 और पैतृक आवास रोहतास जिले के बड्डे स्थित मजहुई ग्राम शामिल है। अब तक की जांच में वकील प्रसाद सिंह के खिलाफ आय से 84% अधिक धन अर्जित करने की जानकारी मिली है। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24 Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।